अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल कुकिंग एंड गार्डनिंग विस्टर्स में। दोस्तों, आज हम इस खूबसूरत से फ्लावरिंग प्लांट एमरल्स लिली के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में पूरी मालूमात मैं आपके साथ, जितनी भी मुझे नॉलेज है सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इसको किस तरह की मिट्टी दी जाए, किस तरह की खाद दी जाए, वाटरिंग और सनलाइट रिक्वायरमेंट, हर किसी के बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों ये देखिए, ये एमरल्स लिली का फ्लावर है। इसके फ्लावर बंचेस में निकलते हैं। ये देखिए, चार इसमें फ्लावर निकले हैं। ये देखिए, ये एक बर्ड्स में से चार फ्लावर निकलते हैं, चार बर्ड्स के बर्ड्स निकलते हैं और बहुत खूबसूरत निकलते दिखते हैं। इसका स्टॉक निकलता है सबसे पहले, उस स्टॉक पे एक ये देखिए, इसका कलर भी कितने खूबसूरत, बहुत खूबसूरत कलर में ये मिलते हैं और ये बल्ब से ग्रो होता है। ये देखिए, इस तरह से इसका बल्ब होता है, बिल्कुल प्याज की तरह दिखता है। और ये जब बल्ब ये छोटे होते हैं तो ये इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। जब बल्ब इतना बड़ा हो जाता है कि आपके मुट्ठी में इस तरह से आने लगता है तब उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। ये देखिए, इसमें बहुत सारे मैंने लगाए हैं मगर इसमें अभी, क्योंकि इसके जो बल्ब्स है वो बल्ब्स थोड़े छोटे हैं तो इसमें अभी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं होंगी। जब ये बल्ब बड़े हो जाएंगे और ये छोटा सा जो तेल की कैन होती है, ऑयल कैन होती है, मैंने उसको काट के इसमें लगाया है तो इसमें बहुत सारे हो गए हैं। तो जो बल्ब है, बल्ब्स को बढ़ने के लिए इसमें जगह नहीं मिल पा रही है तो मैं इसको निकाल के अलग अलग सेपरेट करूँगी, सेपरेट बड़े पॉट्स में शिफ्ट करूंगी, तब इसके बल्ब्स थोड़े बड़े भी होंगे और मल्टीप्लाई भी होंगे तो इसका इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होंगी। मेरे पास अभी एक ही बड़े वाला बल्ब था, ये वाला, जिसमें के देखिए एक स्टॉक निकला है और इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। एक स्टॉक निकला था इसमें और इसमें देखिए कितनी अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात की जाती है इसके प्राइस की। तो ये बल्ब, इसके बल्ब मिलते हैं और मुझे तो ये बल्ब गिफ्ट में मिले हैं। मेरे हस्बैंड के एक दोस्त है जिनका कि इसकी वो उनके पास खेत में ये बहुत सारे लगाते हैं, वो कुछ सेलिंग वगैरह करते हैं फ्लावर्स की, तो उन्होंने मुझे इसके 10 बल्ब गिफ्ट किए थे। अब मुझे खुद को नहीं पता कि इनमें से कौन सा बल्ब किस कलर का है और मैंने बहुत सारे तो इधर उधर भी कर दिए, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये फ्लावरिंग बल्ब्स हैं। मैं सच में इसे प्याज ही समझी थी, आनियन ही समझी थी और मैंने इसको रख के कहीं भी छोड़ दिया था। पर मैंने सिर्फ चेक करने के लिए दो इसमें लगाए थे, ये वाले इसमें देखिए दो इसमें लगाए थे तो ये ग्रो हो गया था, इसमें से पत्ते निकलने लगे तो माशाल्लाह उसमें अब एक फ्लावरिंग स्टॉक भी निकला है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके पॉट्स की। तो इसके पॉट्स हमेशा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं, ये इसके बर्ड्स जो है एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं, ज़मीन में ही निकलते हैं, एक से दूसरे निकलते हैं, तो हमें इसके ऐसे पॉट्स का चुनाव करना चाहिए इसके लिए जो ऊपर से थोड़ा सा खुला हुआ फैला हुआ हो ताकि इनके बल्ब्स को मल्टीप्लाई होने में आसानी हो। और फ्रेंड्स, बात करें इसके सॉइल की, तो इसके लिए हमें वेल्ड्रेन सॉइल का सॉइल मिक्स तैयार करना पड़ेगा जिसमें के 30% गार्डन सॉइल हो, 30% सैंड हो, रिवर सैंड हो। और उसमें आप, अगर आपके पास अवेलेबल है राइस हस्क तो उसमें आप राइस हस्क मिला दीजिए, अगर नहीं है तो अगर आपके पास कोकोपीट है तो कोकोपीट मिला दीजिए, या फिर कोकोपीट और राइस हस्क दोनों भी आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ इसको प्लेन गार्डन सॉइल और रेत के जो हमारी सैंड होती है, रिवर सैंड के कॉम्बिनेशन में भी लगा सकते हैं। बस ये करना है कि इसकी सॉइल हमें वेल ड्रेन रखनी है कि हम इसमें पानी डालें और पानी ड्रेनेज हॉल से बाहर निकल जाए, इसमें पानी बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहना चाहिए, इसको वाटरिंग ज़्यादा पसंद नहीं होती है। एक ये एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत कम वाटरिंग करना पड़ता है, कम वाटरिंग में भी ये अच्छी तरह से ग्रो होता है क्योंकि जो इसके बल्ब होते हैं इनमें बहुत पानी स्टोर होता है। तो अगर हम इसमें पानी रोज़ वाटरिंग ना भी करें
तो भी ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। तो दोस्तों ये हो गई वाटरिंग की बात, इसकी सॉइल मिक्स की बात, और अब बात करते हैं लाइट्स की कि इसको किस तरह की सनलाइट चाहिए। तो दोस्तों ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसको धूप पसंद होती है, तो विंटर में आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ इस पर धूप आए, अच्छी तरह से सनलाइट पड़े। मगर गर्मियों में आप इसको थोड़ा सा पार्शल सनलाइट एरिया में रख दे जहाँ पे इसको छनकर धूप मिले, तो ये वहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ग्रो होगा। तो गर्मियों में हमें इसको ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ इस पर पार्शल सनलाइट पड़ती रहे। और दोस्तों अब बात करते हैं खाद की कि इसको किस तरह की खाद पसंद है। तो दोस्तों जब हम इसका सॉइल मिक्स तैयार करते हैं तो हमें उसमें गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं, तो इसके लिए वो इनफ होता है, इसको और किसी एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है। काउडंग गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट अगर हमने इसमें मिलाई है तो उसमें ही ये अच्छी फ्लावरिंग निकालते हैं। मगर आपके पास अगर अवेलेबल है और आपके पास अभी हर घर में जो एक चीज़ होती है जो आसानी से अवेलेबल हो जाती है वो होती है चाय पत्ती, टी कम्पोज, चाय का पत्ती, चाय की जो हम चाय बनाते हैं चाय की जो यूज़ पत्ती निकलती है उसको अच्छी तरह से धो के और सुखा के हम इसमें यूज़ करें तो इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। ये इसकी फ्लावरिंग के लिए चाय पत्ती बहुत बढ़िया खाद होती है, वरना इसे किसी और दूसरे कंपोस्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, आप अगर लाना चाहें और आप ज़्यादा मेंटेन नहीं करके रख सकते हैं प्लांट को, तो मैं कहूँगी कि आप इस प्लांट को अपने घर में ले आए, क्योंकि इसको ज़्यादा केयर और ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती और ना ही इसमें ज़्यादा फर्टिलाइज करना पड़ता है। एक बार आपका इसको सॉइल मिक्स तैयार करके रख दें और जो एक बार इसकी सॉइल मिक्स आप तैयार करके रख दें जिसमें आप गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट मिला दे, तो इसका सॉइल मिक्स वही बहुत इसके लिए बढ़िया जो है फर्टिलाइजर का काम करता है। और पानी भी हमको इसमें ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है क्योंकि इसके जो बल्ब होते हैं वो अपने अंदर वाटर होल्ड करके रखते हैं। और ये देखिए मेरे यहाँ तो इस साल अभी इस एक ही बल्ब में वाटरिंग हुई है, एक ही स्टॉक निकला था और उसी में अभी वाटरिंग हुई है, मगर जो बाकी है वो सारे अभी छोटे हैं। ये देखिए अभी जितने भी बल्ब निकल रहे हैं ये बल्ब सारे ही छोटे हैं, तो ये नेक्स्ट ईयर मेरे यहाँ फ्लावरिंग करेंगे और इनको मैं निकाल के शिफ्ट किसी और पॉट में, चौड़े मुंह वाले पॉट में इनको शिफ्ट करूँगी ताकि इनके और बल्ब से ये मल्टीप्लाई हो और इनके जो बड़े वाले बल्ब है वो थोड़ा इनका साइज और बढ़ जाए ताकि ये अपने फ्लावर निकाल सके। फ्रेंड्स बात करते हैं अब इसकी प्रोपगेशन की, तो ये प्रोपगेट कैसा होता है। तो दोस्तों ये खुद ही प्रोपेगेट होते रहता है, नीचे से ही इसके बल्ब निकलते रहते हैं और ये प्रोपेगेट होते रहता है, एक से दो, दो से चार, चार से पाँच, ये इतने जल्दी बढ़ते हैं और आपके पूरे गमले को भर देते हैं। ये देखिए ये खुद ही मल्टीप्लाई होते रहता है नीचे से, इस तरह इसके बल्ब खुद ही निकलते रहते हैं। और मैंने जब ये लगाया था तो मुझे इसके सॉइल का इतना ज़्यादा अंदाजा नहीं था, फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा, पूरी नॉलेज ली और तब मुझे पता चला कि इसको भी वेल ड्रेन सॉइल और सैंडी सॉइल की ज़रूरत होती है। और मैंने इसमें इसको सिर्फ सॉइल में ग्रो किया है, तो देखिए फिर भी इसमें जो है बल्ब है वो निकल रहे हैं, देखिए इसमें फिर भी ग्रोथ हो रही है। तो दोस्तों मैं आपके साथ जितनी भी अपनी नॉलेज शेयर करती हूँ ये अपनी खुद की नॉलेज होती है जो मैं आपसे शेयर करती हूँ, मैं ये किसी चीज़ से लेकर आपसे शेयर नहीं करती हूँ। तो अगर आपके पास इस तरह से जिस तरह से मेरे पास ग्रो हो रहे हैं उस तरह ना हो तो उसमें आप ये ना समझे कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, क्योंकि मैं जिस तरह से मुझे जिस तरह से इनका रिजल्ट मिलता है मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। और जहाँ तक कंपोस्ट की मैंने बात की है तो इसको सच में किसी भी कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको सिर्फ आप काउडंग डाल दे महीने में, दो महीने, तीन महीने में थोड़ी सी, या फिर जब आप सॉइल मिक्स तैयार करते हैं तभी, और क्योंकि इसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये सर्दियों तक ही रहता है, सीजनल प्लांट है ये,
तो इसके जो बल्ब है आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, इसको निकाल के इसके बल्ब स्टोर करके भी रख सकते हैं, या चाहे तो आप मिट्टी में भी इसको रख सकते हैं अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए बचा के रख सकते हैं आप। और इसको पानी की, सनलाइट की रिक्वायरमेंट मैंने आपसे हर बार शेयर कर ली है, और ये मैंने दोस्तों अपने तजुर्बे पे बताया है, जो मैं फील करती हूँ, जो मैंने अपने प्लांट्स के साथ ग्रो करने के वक्त मैंने देखा है, वही मालूमात, वही इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो दोस्तों अगर आपको अमरेलिस लिली के बारे में मेरी ये मालूमात अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और दोस्तों हाँ, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।